टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जो बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बिहार में एनडीए को मिले जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी वानगी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में जीत से उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय पर बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर नगर महामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में जनता ने जबरदस्त उत्साह और विश्वास जताया है। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने जोश से लबरेज होकर कहा कि बिहार की जीत कोई तुक्का नहीं, भाजपा जमीन पर काम करती है, विकास करती है। जिस तरह से बिहार में पार्टी ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आगामी चुनाव में पार्टी इतिहास रचेगी। क्या कुछ कहा इस बाबत अमन गर्ग, नगर महामंत्री बीजेपी ने, आपको सुनवाते हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हो रहे हैं और जगह जगह हम लोग के उपचुनाव थे जहां हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर पुनः वापसी किए और सब जगह हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए हैं। इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी नगर का दौरा आज हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों का अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य को किया है, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान रहा हो, चाहे पूर्व में हमारी 6 वर्ष हो गई सरकार को बने, हम लोगों ने जिस प्रकार से धरातल पर काम किया है उसको देखते हुए जनता ने विकास को वोट दिया, सुशासन को वोट दिया और हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पूरे देश को, साथ ही पूरे विश्व को बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से अटूट विश्वास है, लोगों का बनता रहे और हम सब निरंतर विकास के नई प्रगति को आगे। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है तो उसके लिए क्या? आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव पुनः हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे क्योंकि हमारे आदरणीय पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, बिहार में चुनाव में गए थे। उन्होंने 15 जिलों में अपनी रैलियों को किया था। उन 15 जिले के सभी प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समर्थित पार्टी के जो पदाधिकारी उम्मीदवार थे वो जीते हैं और हम सबको विश्वास है कि हम सब लोग कोरोना महामारी के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से काम किया है उत्तर प्रदेश में, हम विश्वास के साथ पुनः 2 वर्ष बाद हम पुनः सरकार बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ पुनः उत्तर प्रदेश